हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल टीम के अपकमिंग फ्रेंडलीज के बारे में। जी हाँ, काफ़ी समय हो गया है इंडियन मैन सीनियर टीम को फुटबॉल फील्ड पर खेलते हुए दिखे गए। और गाइस, एट दिस मोमेंट ऑल द इंडियन फुटबॉल फैंस वांट्स टू नो अबाउट द नेक्स्ट फ्रेंडलीज ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम। और गाइस, गेस व्हाट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के अपकमिंग फ्रेंडलीज के डेट्स अनाउंस किए हैं। दोस्तों, इंडियन फुटबॉल टीम मार्च में किर्गिस्तान और म्यांमार के खिलाफ एक ट्राई नेशन सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। इंटरेस्टिंगली, ये मैचेस इंफाल के खुमन लंपक स्टेडियम में खेले जाने वाला है। दोस्तों, मणिपुर में काफी सालों के बाद इंडियन टीम कोई भी फुटबॉल मैच खेलेंगे। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के बाद इंफाल में ये मैचेस आयोजित करने का इस फैसले को सभी ने अप्रिशिएट किया है। यहाँ पे किर्गिस्तान की अगर आप फीफा रैंकिंग के बारे में बात करें तो गाइस, दे आर करेंटली सिटिंग एट 94th पोजीशन एट द फीफा रैंकिंग टेबल। वही म्यांमार का रैंकिंग यहाँ पे 159th पोजीशन पे है। म्यांमार का रैंकिंग जरूर इंडिया से बहुत पीछे है, लेकिन गाइस, इतिहास ये बताते हैं म्यांमार का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, ये टूर्नामेंट काफी कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। दोस्तों, इस ट्राई नेशन सीरीज के बारे में और भी अपडेट्स आने वाले हैं। वी विल बी लेटिंग यू नो अबाउट फर्दर मोर अपडेट्स। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इमामी ईस्ट बंगाल एफसी से। और गाइस, अब ऐसा लग रहा है इमामी ईस्ट बंगाल एफसी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित है। दे आर प्लानिंग ऑन ए बिग प्रोजेक्ट विद स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। दोस्तों, ईस्ट बंगाल ने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट 2 सीजन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि दोस्तों, 2024-25 सीजन तक वो क्लब के साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये देखने लायक होगा कॉन्स्टेंटाइन अगले दिनों में क्लब के साथ क्या चेंजेस करेंगे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कप्तान आशलता देवी ने एडिडास के साथ एक पार्टनरशिप डील साइन किया है। अब से हम आशलता देवी को एक एडिडास एथलीट कह सकते हैं। इस डील के तहत आशलता एडिडास के साथ फुटबॉल को यूथ में प्रमोट करने को कोशिश करेंगे। आशलता के मुताबिक, उनकी एडिडास जैसे एक ब्रांड के साथ जुड़े रहने का हमेशा से ही एक सपना रही है और ये सपना अब पूरी हो गई है। इसी के साथ गाइस, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।